वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का दिन इज ऑफ न्यू रेसिपी डे। आप लोग ने गेस कर ही लिया होगा बिकॉज मॉम इज सिटिंग विद मी। ओके, सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माई चैनल, आई एम अनन्या वालिया, अ फैशन ब्लॉगर एंड अ यूट्यूबर, एंड दिस इज आई गेस आर फिफ्थ रेसिपी ब्लॉग विद मॉम। ओके मॉम, सो आज क्या रेसिपी है? आज हम बनाने वाले हैं सूजी के बॉल्स। ये जो है बहुत हेल्दी रेसिपी है, इसको आप जब खाएंगे तो इसमें आपको टेस्ट प्लस हेल्थ दोनों मिलेगी। यस, एंड मैंने इसके बारे में अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, एंड आई इवन आस्क्ड पीपल दैट इफ दे वांट टू सी दिस रेसिपी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, एंड मैक्सिमम वोट्स वर फॉर यस। सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस ब्लॉग ऑल अबाउट द सेम सूजी रोल्स। So, Mama, let's start making these suji rolls. Yes. Okay. सूजी रोल बनाने के लिए सबसे पहले जो हम लेंगे उसमें है सूजी और दही। इसको हम मिक्स करके इसका एक डो तैयार करके रखेंगे। और बहुत थोड़ा सा नमक। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये सूजी और दही का डो जो तैयार हमने कर लिया है, इसको देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो, जिससे कि हम लोई बनाएं और वो टूटे नहीं। इसको अभी हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे बाकी की तैयारी के लिए। जो डो हमने बना के तैयार किया था उसमें स्टफिंग के लिए जो है ये सारे इन्ग्रीडियंट चाहिए आपको। कटे हुए प्याज, कटी हुई बीन्स, ग्रेट की हुई गाजर और ग्रेट किए हुए उबले हुए आलू। इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट जो हमें ज़रूरत होगी वो हैं खटाई पाउडर, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, साबुत जीरा, प्री कुक्ड सोया ग्रैनुल्स, कटी हुई हरी धनिया और थोड़ी सी कटी हुई करी पत्ता। अब गैस पे कढ़ाई रख के इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल को गर्म होने देंगे। इसमें थोड़ा सा जीरा, ये जीरा चटक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च, सॉल्ट हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने पहले डो में भी थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया हुआ है, और खटाई पाउडर। अभी हम डालेंगे प्याज। थोड़ा सा पकने के बाद इसमें बाकी कटी हुई सब्जियां और बॉइल्ड आलू, इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्री कुक्ड सोया ग्रैनुल्स, स्टफिंग जो हमने बनाई थी ये गर्म थी, इसको हमने ठंडा कर लिया है, और ये डो हमारा बिल्कुल बनके एकदम तैयार है जिसको आप देख सकते हैं। और इधर हमने जो है गैस पे कढ़ाई में पानी डाल के रख दिया है बॉयल होने के लिए, जिसको अब हम ढक देंगे जिससे ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई लेंगे कुछ इस तरह से, जिसको अपने हाथ से ही थोड़ा सा इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे बॉल जो है हम तैयार कर लेंगे सारे। ये सारे बॉल्स हमने इसमें भर लिया स्टफिंग, और इधर हमारा पानी जो है ये बॉयल हो चुका है। अब हम एक एक करके ये सारे बॉल्स इस पानी में डाल देंगे। ये पानी कितनी देर तक बॉयल हुआ था? 5 मिनट तक पानी बॉयल हो जाए जब बबल आने लगे उसके अंदर। अब हम इसको कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक मीडियम हीट पर इनको उबलने के लिए रख देंगे। ये हमारे बॉल्स जो हैं बॉयल हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इनको हम एक एक करके पानी से निकाल लेंगे।
अब एक अलग से पैन लेकर के उसके अंदर हम थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा एक ऑयल डालेंगे एक चम्मच के करीब। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरी धनिया। ये जो हम कर रहे हैं गार्निशिंग के लिए है, हल्का सा फ्राई करने के लिए। इसमें जो हमने ये जो बॉल बॉईल करके निकाले थे तो हम सब इसमें डाल देंगे। बॉल्स जो हैं पूरी अच्छी तरह से कोट हो जाएं और 2 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए आप, जिससे जो हमने जो बॉईल किया था वो बॉईल वाला टेस्ट जो है इसका खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सब जो है अब हल्के हल्के फ्राई हो गए, हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया इनके ऊपर। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। So guys, Suji balls are ready. I'm going to try them as per every video. So here it is. Okay, as you can see, this is my pura stuff here. मैं इसे धनिया चटनी के साथ खाने जा रही हूँ। Mom, this is the best. I love it, totally love it. इससे आप कुछ बता रहे थे ना? ये बहुत ही हेल्दी रास्ता है। इसके अंदर हमने सोया ग्रैनुल्स डाले हैं, वेजिटेबल्स डाले हैं, जो एक बहुत ही अच्छा आपको एक हेल्दी टेस्ट आपको आएगा, जिसमें जो है आपको खाने में इसको आप कभी भी खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, शाम को, या आपके गेस्ट आए, अभी दिवाली टाइम आने वाला है, इसमें आप इसको बनाएंगे तो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे इसको। इट इज़ वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी। तो अगर आपको कुछ हेल्दी चाहिए और टेस्टी चाहिए देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द रेसिपी एंड आई होप यू गाइज विल ट्राई इट एज वेल। If you guys try it, do comment down below. Also send me the pictures. I would love to see. Okay. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also press the bell button so that you get notified every time I post a video. Mama, subscribe karne ko bol do. Aap hamare channel ko subscribe bhi kar do. Okay, bye. Bye bolo mama.